हेलो गाइस, दिस इज करमवीर सिंह मान फ्रॉम यूट्यूब चैनल करमवीर मान ऑफिशियल। आज एक होर वीडियो लेके आया रहे थोड़े देर जी का टॉपिक है आइल्स स्पीकिंग। स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਰਾਜੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਐਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ? ਟੋਟਲ 3 ਪਾਰਟਸ, 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਤਿੰਨੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, अपनी स्पीकिंग जी तीन पार्ट्स के डिवाइड की जाती है। फर्स्ट पार्ट की बनता राजे इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट अपना की बनूगा क्यू कार्ड, थर्ड पार्ट बच्चे अपना की बनता है फॉलोअप। इन्हों की बैंड कैटेगरीज की है, बहुत सारे बच्चे नहीं पता होगा कि इन्हें किस तरह स्पीकिंग है जी डिवाइड की जाती है। सो बैंड कैटेगरीज राजे जी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन अपनी करती है 3 बैंड्स की। क्यू कार्ड अपना होगा राजे 4 बैंड्स का। फॉलोअप्स अपने डिवाइड होंगे राजे 2 बैंड्स के। जिहड़ा स्पीकिंग पैटर्न है बैंड कितने रखे, इंट्रोडक्शन के लिए 3 बैंड्स। हुण इंट्रो दे विच की होगा राजे वो मैं तुहानू सब कुछ इस वीडियो दे विच एक्सप्लेन करूंगा। तो क्यू कार्ड है, क्यू कार्ड की होंगी, एक स्टेटमेंट होंगे ने, 4 क्ल्यूज दिते होंगे ने, उन्हां नू आपां एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड पार्ट किया गया फॉलोअप्स, फॉलोअप्स कितने हो गए 2 बैंड्स के। सो सारी स्पीकिंग टोटल की अपनी कितनी होगी राजे 9 बैंड की जी अपनी स्पीकिंग होगी टोटल। हुण इहदे विच पार्ट्स कैटेगरीज कितने ने, किवें किवें दे विच किहड़े किहड़े क्वेश्चन आउंदे ने, किस तरह आपां नूं एग्जामिनर जिहड़ा क्वेश्चन पुट आउट कर देने ने, की टाइप दे जिहड़े क्यू कार्ड ने, किस तरह एग्जामिनर आपां नूं पुछदा। सो फर्स्ट पार्ट राजे ध्यान नाल सुणो, जिहड़ा की हैगा इंट्रोडक्शन पार्ट है जिहड़ा इंट्रोडक्शन के अलग अलग सैट ऑफ क्वेश्चन बने होंगे ने। नॉट ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट सैट ऑफ क्वेश्चन। जिदा कि तुम पहला ला लो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको की पूछोगे, नेम, एड्रेस, स्टडी, एज, हॉबीज। ये 5 सैट ऑफ क्वेश्चन राजे जिहड़ा एग्जामिनर हर एक बच्चे पुछता ही पुछता है, थोड़ा फुल नेम की है, थोड़ा एड्रेस की है, थोड़ी की स्टडी है, की तुसी वर्क करते हो, थोड़ी एज की है, थोड़ी हॉबीज की है। ये जिहड़े राजे 5 सैट ऑफ क्वेश्चंस ने, ये हर एक बच्चे नूं पुछे जांदे नेगे, चाहे वह जीटी करदा होवे, चाहे वह अकैडमिक की हेल्प करदा होवे, ये हर एक बच्चे नूं फर्स्ट सैट ऑफ क्वेश्चन है जिहड़ा वह पुछे ही जाणगे। मैं तुसी उन्होंने आपां नूं नेम पुछ लिया, नेम दे रिगार्डिंग आपां नूं की पुछ सकदे नेगे राजे, फुल नेम पुछ लैणगे, थोड़ा फुल नेम की है। फुल नेम राजे बहुत सारे बच्चे जो मिसटेक्स करते हैं, मतलब मेरे तो लगा लो एग्जामिनर मैंने क्वेश्चन आस्क करे व्हाट इज योर फुल नेम, मैं की आंसर दूंगा, माई फुल नेम इज करमवीर सिंह मान। मैं जो अपना पासपोर्ट के उपर अपना नेम अपीयर है, जो अपना एग्जाम के नेम अपीयर है, चाहे अपना सरनेम मैनशन किया गया तो आप सरनेम बोलेंगे, सरनेम नहीं मैनशन किया गया तो आप स्किप कर देंगे कि माई फुल नेम इज करमवीर सिंह मान। जब उस क्वेश्चन उन्होंने की पूछना गा कि हाउ मे आई कॉल यू, कॉल यू वाला क्वेश्चन भी हो गया राजे, हाउ मे आई कॉल यू, हाउ मे आई एड्रेस यू। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एग्जामिनर ने पूछा हाउ मे आई एड्रेस यू, तो अं अपना एड्रेस दस दो कितने, डैट्स रॉन्ग। क्वेश्चन की है हाउ मे आई कॉल यू, हाउ मे आई एड्रेस यू, भी थोड़ा मैं किस नेम नाल बुला सकता। एग्जामिनर ने मैंने क्वेश्चन किया कि हाउ मे आई कॉल यू, तो मैं आंसर की दूंगा, सर प्लीज कॉल मी विद माई निक नेम, मैं निक नेम अपना की बोलूंगा, सर प्लीज कॉल मी विद माई निक नेम करण, या यू कैन कॉल मी विद माई फर्स्ट नेम करण। क्वेश्चन है राजे दे कॉल यू पूछता तो कॉल यू बोलेंगे, एग्जामिनर आपको एड्रैस बारे पूछ रहे कि हाउ मे एड्रैस यू, तो आप एड्रैस का आंसर देवे, एड्रैस ला के वो आप हिसाब से चेंज कर देंगे। सो इसे अपने इंट्रोडक्शन नेम के ही 3 सैट ऑफ क्वेश्चन आ, जे एग्जामिनर आपको नेम पूछ रहा तो यही अपने 3 सैट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। मूविंग ऑन नैक्सट राजे, हूँ आप एड्रैस पूछ लिया अपना कि मैं चलो मैंने उस वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कितों आने हो, मैं की कहूँगा आई बिलोंग टू बरनाला, आई कम फ्रॉम बरनाला। ये वोकैबुलरी तुम की यूज कर सकते हो, आई हेल फ्रॉम बरनाला, ठीक है जी, आई बिलोंग टू बरनाला, आई
कम फ्रॉम बरनाला. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ रहे, जरूरी नहीं एग्जामिनर ने पूछा वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो उसको आई कम फ्रॉम बरनाला. मेरे ते आ मैंने पूछ रहा एग्जामिनर कि तुसी कितों आने हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो मैं क्या आंसर देना, आई कम फ्रॉम बरनाला. एक सिंपल आंसर आ गया मेरे, तो उन्हें थोड़ी जी वोकैब यूज कर लो कि सर आई हेल फ्रॉम बरनाला. मीनिंग सेम आ बट एग्जामिनर इतना इंप्रेस होगा कि बच्चा वोकैब यूज कर रहा, बच्चे की नॉलेज हैगी आ, वो वोकैब यूज करके आंसर दे रहा है, रिफ्रेज कर रहा है. उन्हें मैं पूछ लेना, दैन अपन को पूछेंगे कि थोड़ा पिंड छोटा या वड्डा या सिटी थोड़ी वड्डी आ या छोटी आ, वो तुसी आपके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को रीफ्रेस करो राजे. एनी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा आपको डायरेक्ट वर्ड के विच आंसर देता नहीं, क्वेश्चन को रीफ्रेस करो. रीफ्रेस करोगे तो ना थोड़े बैंड स्कोर जो हो राजे अप चल जाते हैं. वोकैब यूज करो, वोकैब यूज कर सकते हैं आप. हम ये फर्स्ट सैट सीगा राजे, इस तो बाद इंट्रोडक्शन के अपना की आ जाता है. इंट्रोडक्शन के राजे अलग अलग टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स का ला लो अपनी न्यूज के उपर लगा लो कि न्यूज के उपर टॉपिक आ गया, होर कहते आ सकते फ्लावर्स लगा लो, लाइफ के उपर टॉपिक लगा लो, हैडफोन के उपर लगा लो. इदा इदा करते राजे अपने को टोटल 250 प्लस टॉपिक्स बनते हैं, जिदे एग्जामिनर अपन 5 to 7 क्वेश्चन है जो 3 to 4 टॉपिक्स चूज करेंगे, और अपन 5 to 7 क्वेश्चन है जो पूछेंगे कि हाँ जी बच्चे डू यू लाइक न्यूज, यस आई लव न्यूज. एग्जामिनर ने कहा डू यू लाइक, आप आंसर की देता यस आई लव न्यूज, आई लव हियरिंग न्यूज, आई लव वॉचिंग न्यूज. सो मीनिंग की है राजे, इंट्रोडक्शन कितने क मैटर करती है, तो तुम वोकैबुलरी किस तरह की यूज कर रहे हो, तुम एग्जामिनर को सैटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, एग्जामिनर की क्वेश्चन पूछ रहा है, की आंसर दे रहे हो, और जरा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा थोड़ा आंसर रिलेट करता या नहीं करता, डिपेंड ही करता, फ्लुएंसी अपनी रखो. बट ये नहीं एक अपने बच्चे की गलती करते हो रहे कि आप ब्रिटिश एक्सेंट के बोलने लग जाएंगे, भी आप फॉरनर्स के वे बोलेंगे यस आई कम फ्रॉम, बट ओदा की होंगे राजे जिसे आप फैमिलियर नहीं है, आप वे फैमिलियर नहीं है बोलने, दैन वाई वी आर यूजिंग इट, आप क्यों यूज करना, अपना नैचुरल वे बोलो, नैचुरल वे आंसर दो. बट की करना, आप जस्ट एक वोकैब यूज करनी है जी, कोई भी टॉपिक आ रहा वोकैब यूज कर लो, ठीक है, वोकैब यूज करने हो राजे रीफ्रेज कर लो क्वेश्चन, यही चीज है मेरी, तो आप रीफ्रेज कर लो, वोकैब यूज कर लो, अपने बैंड स्कोर वैसे ही अप हो जाने ने. देन व्हाई वी आर यूजिंग ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश स्टाइल को इग्नोर करो, जस्ट नॉर्मल स्पीकिंग राजे, नॉर्मल कन्वर्सेशन. कोई बंदा अपन पूछ रहा है कि यस डू यू लाइक हियरिंग न्यूज या डू यू लाइक वॉचिंग न्यूज, देखो यस आई लाइक वॉचिंग न्यूज बिकॉज आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग, आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वर्ल्ड की हो रहा है. सो ये जो फर्स्ट सेट होंगे राजे एग्जामिनर हम बच्चे कहेंगे कि सर यह आंसर कितने तक दिए, एक लाइन रीफ्रेस करो राजे. सेकेंड रीजन है जो बिकॉज ला के दस दो आंसर, बी डू यू लाइक न्यूज, वाई यू लाइक न्यूज, एग्जामिनर भी पूछूगा वाई. सो उस तो बैटर है राजे कि आप पहले एग्जामिनर को सैटिस्फाई कर दिए कि हाँ जी सर मैं रीजन दे ही दिता पहले, एग्जामिनर ने वाई पूछना ही नहीं है, तुम अपने आप एक्सप्लेन कर लो एग्जामिनर को कि हाँ जी सर आई लाइक हियरिंग न्यूज, आई लाइक फ्लावर्स बिकॉज दे गिव मी बेस्ट स्मेल, दे गिव मी बेस्ट सेंट, वो बोल सकते हो, हेडफोन बोल सकते हो. एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक यूजिंग हेडफोन या डू यू यूज हेडफोन, तो कहो यस सर आई लव यूजिंग हेडफोन बिकॉज व्हेन आई एवर आई एम आई गेट बोर्ड या व्हेन एवर आई एम अलोन सो आई यूज हेडफोन टू लिसन सम म्यूजिक. तुसी रीजन मेंशन करता ना, एग्जामिनर सैटिस्फाई हो गया. आंसर कितने च बन गया अपना, 2 to 3 लाइन के विच. सो ये आंसर है राजे, रीफ्रेज करने हैं, वोकैब यूज करनी है, प्लस रीजन देना अपना के इफ यू लाइक दैट तो व्हाई यू लाइक दैट, एंड यू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो बच्चे. एग्जामिनर तो ही सैटिस्फाई होगा जब आप एक्सप्लेनेशन अपन भी प्रॉपर दवांगे. सो ये फर्स्ट सेट सी राजे, 2 to 3 लाइन के आंसर देना, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, 5 to 7 अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हुण जिहड़ा सैकेंड पार्ट है राजे, सैकेंड पार्ट के विच की होगा अपने कोले, सेकेंड पार्ट की है राजे क्यू कार्ड. क्यू कार्ड की हो सकता राजे, क्यू कार्ड एक स्टेटमेंट होंगी है, उसके नीचे 4 पॉइंट्स ने. चलो एक क्यू कार्ड एक तुम स्टेटमेंट ले लो, क्यू कार्ड भी मतलब
नोट करवा दूंगा, डिस्क्राइब अ कंट्री, डिस्क्राइब अ कंट्री वेयर यू वॉन्ट टू लिव इन फ्यूचर। ये अपने को स्टेटमेंट दी थी, देन फोर क्लूज होंगे राजे, विच कंट्री, सेकेंड हाउ यू नो, थोनू किवें पता, देन नेक्स्ट व्हाई यू वांट टू मूव, देन नेक्स्ट हाउ विल यू फील। जो तुम उ पहुंचोगे हाउ विल यू फील। हुण इह एक तरह जी आपां नूं सैट आ, उन्होंने आपां नूं चिट देनी है, एक स्लिप देनी है, उहदे उपर अपनी क्यू कार्ड दी स्टेटमेंट गिवन होगी। टोटली आपां नूं की हुंदा, एक मिनट मिलदा प्रिपेयर करन दे लई। एक मिनट दे विच आपां इहदी आउटलाइन भी रेडी करनी आ, आ चारों पॉइंट्स भी आपां लिखणे ने। सो इहनूं करन दा वे की आ राजे, कि क्यू कार्ड, बहुत सारे बच्चे कहिंदे ने कि सर सानूं आइडियाज ही नहीं बनदे, क्यू कार्ड असीं याद कर लैंदे आ, इंस्टीट्यूट वाले सानूं क्यू कार्ड बोर्ड ते करवा दिंदे आ, असीं लिख लैंदे आ याद करके बोल दिंदे आ, या असीं की करदे असीं नैट तों प्रिपेयर कर लैंदे आ। बट राजे क्रैमिंग करोगे तां एग्जामिनर दे कोले जाके नर्वस होवोगे ही होवोगे। क्रैम नहीं करना है, उहनूं नैचुरल वे दे विच बनाउणा सिखोगे क्यू कार्ड बनदा किस तरह है। हुण देखो आ क्यू कार्ड, मान लो अपने कोले आ चार बुलेट पॉइंट्स दित्ते होए ने, विच कंट्री, पहला क्यू कार्ड की है, डिस्क्राइब अ कंट्री वेयर यू वांट टू लिव इन फ्यूचर, भी एक कंट्री दसो जिथे तुसीं फ्यूचर दे विच जाके रहना पसंद करोगे, यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा। हुण पहला किहड़ा आ गया अपने कोले, विच कंट्री, भी किहड़ी कंट्री आ, सैकंड किहड़ा आ गया, हाउ यू नो अबाउट दैट, थोनू कंट्री बारे किवें पता गा, देन नेक्स्ट व्हाई यू वांट टू मूव, तुसीं उत्थों क्यों मूव होना चाहते होगे, क्यों जाना चाहते हो उत्थे, नेक्स्ट किहड़ा आ गया, हाउ विल यू फील व्हेन यू रीच देयर, तुसीं किस तरह फील करोगे जो तुसीं उत्थे पहुंचोगे। यही चार टाइप के क्वेश्चन है ना। हुण इहनूं करन दा वे की आ राजे, बहुत सारे बच्चे क्रैमिंग कर लैंदे ने, बट इहनूं करन दा वे की आ, सब तों ईजीएसट मैथड आ जिहड़ा राजे तुहानूं मैं दसण जा रहा हाँ क्यू कार्ड प्रिपेयर करन दा। हुण आपणा क्यू कार्ड कदे रिलेटिड सीगा राजे, कंट्री दे रिलेटिड सीगा। हुण देखो कंट्री दे रिलेटिड आ, फस्ट पॉइंट तुसीं इहनूं जिहड़ी तुहानूं प्रैपरेशन चिट मिलदी आ, प्रैपरेशन पेज मिलदा, उहदे च बुलेट पॉइंट लिख लो, विच, हाउ, why, how you feel, यही अपने कोल क्यू कार्ड सी, यही अपने चार बुलेट पॉइंट सीगे। हुण देखो जी एक मिनट आ, एक मिनट दे विच किद्दां प्रिपेयर कर लांगे आपां। फर्स्ट पॉइंट की सी, वी किहड़ी कंट्री आ, शॉर्ट पॉइंट्स लिख लो, इज एम आर तां तुसीं लगाई सकदे हो, इज एम आर दे डे ओह तां तुसीं लगाई सकदे होंगे, बट उहनूं तैयारी किवें करना, विच कंट्री, कंट्री किहड़ी आ जी, कैनेडा जाना जी, कैनेडा दे विच जाना आपां, तुहाडी कंट्री आ आस्ट्रेलिया बोल दो, कैनेडा बोल दो, अगे की आ, कैनेडा पैंदा किथे आ जी, नॉर्थ अमेरिका दे विच फॉल करदा, कैनेडा दी लोकेशन की आ जी, इट फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका, जिवें बरनाला पंजाब दे विच पैंदा उस तरह ही कैनेडा नॉर्थ अमेरिका दे विच पैंदा। सो हो गया पहला पॉइंट जी, विच कंट्री, किहड़ी कंट्री आ, पहला पॉइंट हो गया। सैकेंड पॉइंट की आ राजे, वी हाउ यू नो, तुहानूं किस तरह पता गा, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਨੇਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੈਲੇਟਿਵਸ, ਫਰੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जिहड़े उन्होंने ब्लॉग्स देखते होंगे, ठीक है। तो तुहानूं कंट्री बारे बेसिक जिहा क्वेश्चन आ जी, वी कंट्री बारे तुहानूं किवें पता लग्या, किवें पता लग्या जी, साडे रैलेटिव्स उत्थे रह रहे, मेरे फ्रेंड्स उत्थे रह रहे, फ्रॉम अ लोंग टाइम रैलेटिव्स मेरे सिटीजन ने, मेरे फ्रेंड्स ने जिहड़े स्टडी परमिट ते ने, मैं सोशल मीडिया के उपर कैनेडा बारे बहुत सारी सर्च की है, बहुत सारा पढ़िया गया, प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दीआं वीडियोज देखते हैं, ब्लॉग्स देखते, उन्होंने जो बच्चे इंडिया टू कैनेडा जा रहे हैं, किसी भी कंट्री टू कैनेडा जा रहे हैं, असं उन्होंने व्लॉग्स देखते हैं। हो गया हाउ यू नो अबाउट दैट वाला पॉइंट, दैट थर्ड पॉइंट, व्हाई यू वांट टू मूव राजे, क्यों मूव करना है, फॉर फर्दर एजुकेशन, एक पॉइंट तो बेसिक ही चक लो कि फर्दर एजुकेशन के लिए जाना,
होर की है राजे क्यों जाना, क्योंकि जी जॉब उत्थे ज्यादा ने, जॉब करके की हैगा करियर बिल्ड होगा, करियर प्लस पॉइंट है, क्योंकि जॉब ज्यादा मिली है तो करियर सैट हो जाएगा। नैक्सट आप की कहेंगे राजे भी उत्थे वर्क कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं अपनी स्टडी के नाल, वर्क प्लस स्टडी, स्टडी के नाल नाल असी काम भी कर सकते हैं, उहदे नाल की होगा राजे थोनू अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तुसी की हो जाओगे इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सो ये अपने पॉइंट्स आ गए राजे, जे असी फर्दर एजुकेशन के लिए जाना प्लस उत्थे क्यों उत्थे एजुकेशन क्यों करनी है, ये भी मैटर करता ना, क्यों करनी है क्योंकि उत्थे जॉब्स ज्यादा ने, उत्थे करियर बहुत ज्यादा वधिया बन जाता है, करियर ऑपरचुनिटीज ज्यादा ने, प्लस उत्थे वर्क के नाल नाल स्टडी के नाल नाल मैं अपना काम भी कर सकता, काम करूंगा तो मैं अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो मैं की होगा इंडिपेंडेंट फील करूंगा। शॉर्ट पॉइंट्स लिख लिया अपना, हुण हाउ विल यू फील, फील राजे इडियम यूज कर लो ओवर द मून, आई विल फील, क्योंकि ये फ्यूचर के विच गया ना, हाउ विल यू फील किवें फील करोगे, आई फील ओवर द मून, मैं बहुत खुश फील करूंगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा ड्रीम कंट्री है। देखो राजे इस तरह ही यूज करोगे तो थोड़ी कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी, क्योंकि कोई वर्ड आप दोबारा यूज नहीं किया है, रेपिटेशन भी नहीं होनी, प्लस की करो ये दो तो तीन इडियम यूज कर लो, टू टू थ्री इडियम्स, इडियम्स यूज करने की होंगे राजे थोड़ी जी बैंड स्कोर की प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है, ये नैचुरल जी थिंग है, इडियम यूज करोगे वोकैब यूज करोगे तो थोड़ी जी स्किल वधदी ही वधदी है, रीफ्रेज करो लाइन रिपीट ना करो, कनैक्टर यूज करो अलोंग विद दिस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली आई कैन वर्क आई कैन स्टडी बट ऑल्सो आई कैन वर्क देयर, भी मैं कभी स्टडी नहीं मैं उसे काम भी कर सकता है, एक्सप्लेन करो क्यू कार्ड, शॉर्ट पॉइंट्स लिखो एक मिनट के क्यू कार्ड है जो ईजीली प्रिपेयर हो जाएगा, ये तो मैं तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेन किया, बट जो अपने माइंड कोई थिंकिंग आ गई कि हाँ जी ये क्यू कार्ड आप लिखना तो कि सिंपल सिंपल लिखो शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट अपने पता होगा ना उस चीज बारे आइडिया होगा अपन भी हाँ जी मैं आप बोल सकती हाँ। सो इस तरह यूज करा राजे वोकैब यूज करो, इडियम यूज करो, प्लस कनैक्टर्स यूज करो, इन्हों बैंड स्कोर है जो अप हो जाता, प्लस थोड़ी रेपुटेशन ही होगी क्योंकि बैंड स्कोर गल करके कट जाए रेपुटेशन करके तो अवॉइड होगी, जो कनैक्टर यूज करोगे, इडियम यूज करोगे, वोकैब यूज करोगे, इडियम्स भी थोड़े लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि इडियम कि जगह यूज हो सकता है, वो तुम्हें मैं एक इनफॉर्मेटिव वीडियो अलग बना के दे दूंगा, बट क्यू कार्ड राजे हमेशा इस वे जो प्रिपेयर करना, क्यों, क्योंकि अपने को एक मिनट सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। ऑलवेज यूज स्पाइडर डायग्राम मैथड, हम आप स्पाइडर डायग्राम भी बनाई है ना, देखो इधर इधर हो गया आ क्वेश्चन इधर आ गया इधर आ गया इधर आ गया, स्पाइडर डायग्राम भी बनाई है ना, अपना स्पाइडर डायग्राम बना के आप क्यू कार्ड के बुलेट पॉइंट को ईजीली एक्सप्लेन कर देंगे। सो ये क्यू कार्ड हो गया राजे, थर्ड पॉइंट जो है राजे अपना हम जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीकिंग वो अपना की है राजे फॉलोअप क्वेश्चन, फॉलोअप की होंगे राजे, फॉलोअप होंगे राजे जो आप क्यू कार्ड बोलेंगे वो बेस के उपर आप दो तो पांच क्वेश्चन पूछते हैं, दो भी पूछ सकते हैं, तीन भी पूछ सकते हैं, चार भी पूछ सकते हो, तुम ये ना कहते सामने कहते दो तो पांच पूछेंगे तो उन्होंने दो ही पूछे या उन्होंने पांच पूछे, मैटर करता राजे भी तुम थोड़ी पिछली स्पीकिंग कितनी सैटिस्फाइंग है वो बेसिस से थोड़ा जज करके अकॉर्डिंगली दो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यही पता एक ही पूछ तीन भी पूछ लेंगे पांच भी पूछ लेंगे, पांच तक भी उदे सैटिस्फाइंग ज्यादा भी पूछ सकते हैं, बट नॉर्मल जो कैंडीडेट्स उन्होंने कितने पूछे जाते हैं दो तो पांच। हुण ये हुंदा की है राजे फॉलोअप्स, एक नाम ले लिया जी फॉलोअप, फॉलोअप्स होंगे की है एक राजे लेंथी टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, लेंथी क्वेश्चन होंगे ये राजे अपना ओपीनियन पूछते हैं, अपनी थिंकिंग पूछते हैं, अपना व्यू पॉइंट पूछते हैं, भी थोड़ा पॉइंट लैके की व्यू पॉइंट है थोड़ा की ओपीनियन है की तुम थिंक कर रहे हो। सो ये करना की होंगे राजे पर सब तो पहला तो जो क्वेश्चन आता अपन क्वेश्चन मिले होगा उन्होंने रीफ्रेज कर लो, क्वेश्चन रीफ्रेज करके उस तो बाद अपना ओपीनियन देना है अकॉर्डिंग टू माई ओपीनियन या आई थिंक दैट या इन माई परस्पेक्टिव, उस तो बाद आके पॉइंट देना है, जो रीफ्रेज करोगे राजे रीफ्रेज करके प्लस अपना रीजन आ गया
ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਦਓਗੇ, ਰੀਫਰੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਰੀਫਰੇਸ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਓਗੇ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਥੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਆਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ ਕਰੋ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰੋ, ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓ, ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਥਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੱਗੂਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ।